आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरे चैनल का नाम डेनी और स्टोरी पर। यह महाराष्ट्र के एक इलाके की कहानी है। मेरा नाम राकेश है। मैं एक छोटे से ढाबे में काम करता हूँ। ये ढाबा शहर से काफी दूर है, वुडन एरिया में पड़ता है। एक रात काम से ब्रेक लेकर मैं ढाबे से बाहर आया, तभी मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था ये आवाज थोड़ी दूर जंगल से आई है। वहां बहुत हरियाली और पहाड़ थी। रात के अंधेरे के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने इस सब बात पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। अक्सर यहाँ जंगल के बाहर कभी कभी जंगली जानवर भी दिखाई दिया करते थे। तभी मेरा दोस्त सुनील भी काम से ब्रेक लेकर बाहर आया। हम समय बिताने के लिए एक दूसरे से बात करने लगे। तभी ये आवाज हमें दोबारा सुनाई दी। लेकिन इस बार ये आवाज ज्यादा करीब से सुनाई दी और मैंने सुनील से पूछा, ये आवाज तुम्हें सुनाई दी क्या? उसने बोला, हाँ भाई। उसने कहा, ये किसी जंगली जानवर की आवाज होगी। 15 से 20 मिनट हमें बाहर खड़े खड़े हो गए थे। तभी हम वापस जाने के लिए मुड़े, तभी अचानक तेज घुर्राने की आवाज हमारे पीछे से आने लगी। और यह आवाज हमारे पीछे से आई थी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक आदमखोर वुल्फ था, जिसे देखकर और हम और भी डर गए। वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगा। डर के मारे हमारे पैर कांपने लगे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने हम पर हमला कर दिया और मैं कैसे ना कैसे करके अपनी जान बचा ली, पर मेरा दोस्त को खा गया और डर के मारे मैं बेहोश हो गया। जब अगले दिन मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में घायल अवस्था में बेड पर लेटा हुआ था। और मैंने ये बात अपने परिवार और पुलिस वालों को भी बताया, बट किसी ने मेरे को यकीन नहीं किया। और मैंने वहां से ये जॉब भी छोड़ दी। जब कभी भी मैं यह दिन याद करता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है।